हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज पीयूष के लिए हॉस्पिटल गई थी और एक बच्चे को भी लेके गई थी आज हॉस्पिटल, उसको दिखाने के लिए। काफ़ी दिन से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैम आप ले चलो, हमारे बच्चे को दिखवा दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी का भला हो जाए, तो मैं उस बच्चे को लेके आज मैं हॉस्पिटल गई थी सुबह मॉर्निंग में ही। और आके वहाँ से फिर पीयूष की भी दवाई ले ली मैंने वहीं से RML हॉस्पिटल से, और आके सारा घर का काम वाम किया। और आज ही पीयूष के दादाजी की भी आंखों का ऑपरेशन था, तो वो भी सुबह से ही गए हुए थे आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए, और दोपहर को आए हैं वो। फिर खा के खाना पीना बनाया और अपना डेली रूटीन जो था मेरा वो किया। और अभी चाय बन रही है, हर्ष को चाय पीनी है तो मैं अब चाय बना रही हूँ। और कभी कभी जब पेरेंट्स निराश हो जाते हैं, जब डॉक्टर ये बोल देता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी निराशा हाथ लगती है। अब वो पेरेंट्स बेचारे इतने आस लेके मेरे साथ गए थे, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। पर उस बच्चे को दौरे वौरे भी पड़ रहे हैं, हाइपर भी हो रहा है, खाए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टर ने उसे बोला कि वो ठीक नहीं हो सकता। वो उम्र जैसे जैसे उसकी बड़ी होगी वो और ज़्यादा परेशान होगा। और यही कारण है मेरे को भी थोड़ा सा बुरा लगा, बेचारे मेरे साथ गए भी और इतना परेशानी उठा के, और डॉक्टर ने उन्हें क्लियर मना कर दिया कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता, तो थोड़ा दुख लगता है इस मामले में। मैं सोचती हूँ फिर मैंने पीयूष को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। गाइस हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं गई थी हॉस्पिटल लेके गई थी एक बच्चे को, जो बच्चा डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उस बच्चे को लेके गई थी मैं आज RML हॉस्पिटल। उनकी मदर फादर बोल रहे थे कि एक बार आप मेरे बच्चे को भी दिखा लाओ कि मेरा बच्चे को इतना प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा चलो मैं दिखा लाती हूँ। और तो आज सुबह मैं वहीं गई हुई थी, तो सुबह से कुछ काम वाम हुआ नहीं घर में, तो आके सारा काम वाम किया है, हॉस्पिटल गई थी। और मैंने सोचा बेचारों का भला हो जाएगा, पर डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या वो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं, मतलब 100 में से 90% डिसेबिलिटी बच्चा है वो। अब सोचिए उनका क्या होगा, उनके पेरेंट्स इतने परेशान हो गए, निराश हो गए। वो सोच रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ हो तो दवाई गोली से ठीक हो जाए बच्चा, और पर वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही हाइपर, और मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा डिसेबिलिटी है, पैरों से भी नहीं चल सकता, और परेशान हो रखे हैं उसके पेरेंट्स भी ना। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस कारण मैंने पीयूष को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है, क्योंकि मेरा पीयूष ऐसा नहीं करता, बस थोड़ा कहना ही नहीं मानता है मेरा। पर बाकी तो ठीक है कि वो जो मैंने आज देखा ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिससे बेचारे वो लोग मैं बहुत दुखी हो गई कि मैंने क्या इतना परेशान यार, इससे तो अपना ही दुख कम लगता है। और वह बहुत ज़्यादा, मैं पिक्चर भी डालूँगी उस बच्चे की, और आप ज़रूर बताइएगा कि वो उसकी क्या बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स तो पूरा जवाब दे चुके हैं। और बस यही दुआ है कि कहीं की दवाई कहीं ना कहीं उसे लग जाए और ठीक हो जाए वो बच्चा। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।